प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम संस्कृत विषय के कूट श्लोक प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखो का प्रश्न है। प्रथमायाः प्रहेलिकायाः उत्तरं किम्, पहली पहेली का उत्तर क्या है? उत्तर होगा सूची अर्थात सुई। खा प्रश्न है, वयम् कया लिखामा, हम किससे लिखते हैं? उत्तर होगा लेखन्या अर्थात पेन से या कलम से। गा प्रश्न है, कंसम कह संजंघान, कंस को किसने मारा? उत्तर होगा कृष्णा अर्थात कृष्ण ने। घा प्रश्न है, कम्बलवंतम किम न बाधते, कम्बल वाले को, कम्बल ओढ़े हुए व्यक्ति को कौन परेशान नहीं करता है, क्या परेशान नहीं करती? उत्तर होगा शीतम ठंड। प्रश्न क्रमांक डा, कति स्त्रिया स्नानार्थम नर्मदां गता, कितनी स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा नदी पर गईं? उत्तर होगा विंशति ही अर्थात 20। चा प्रश्न है, करिणाम कुलम को हंती, हाथियों के समूह को कौन मारता है? उत्तर होगा सिंहा अर्थात शेर। प्रश्न क्रमांक दो, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो का प्रश्न है। लेखन्या स्वरूपम किम, कलम का पेन का स्वरूप कैसा है? उत्तर होगा कृष्णमुखी। द्विजिह्वा पंचभर्त्री च इति लेखन्या स्वरूपम अस्ति, कृष्णमुखी द्विजिह्वा पंचभर्त्री च इति लेखन्या स्वरूपम अस्ति, अर्थात काले मुख वाली, दो जीव वाली और पांच अंगुलियों से चलाने वाला ये कलम का गुण है, कलम का, कलम के लक्षण है। प्रश्न क्रमांक खा, सूच्यः किम लक्षणम, सुई के क्या लक्षण हैं? उत्तर होगा एक चक्षु, बिलम अन्विष्यति, क्षीयते वर्धते च इति सूच्य लक्षणम, एक आँख होती है, बिल को कोसती है और घटती बढ़ती है, यह सुई के लक्षण हैं। प्रश्न क्रमांक गा, काशी तल वाहिनी का, काशी की भूमि पर बहने वाली कौन है? उत्तर होगा काशी तल वाहिनी गंगा, काशी की सतह पर बहने वाली गंगा नदी है। प्रश्न क्रमांक घा, शीतम कम ना बाधते, ठंड किसको परेशान नहीं करती? उत्तर होगा शीतम कम्बलवंतम ना बाधते, जिसके जिसने कम्बल ओढ़ रखा है उसको ठंड परेशान नहीं करती है। प्रश्न क्रमांक अड़ा, नर्मदाया कति स्त्रिया पुनरायाता, नर्मदा से कितनी स्त्रियां वापस आईं? उत्तर होगा नर्मदाया विंशति स्त्रियां पुनरायाता, नर्मदा से 20 स्त्रियां वापस आईं। प्रश्न क्रमांक चा, शंकरम पतितम दृष्टवा पार्वती कीदृशी भवती, शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती कैसी होती है, पार्वती किस प्रकार का व्यवहार करती हैं? उत्तर होगा शंकरम पतितम दृष्टवा पार्वती हर्ष निर्वरा भवती, शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती हैं। प्रश्न क्रमांक तीन, युग्म मेलनम कुरुत, अर्थात जोड़ियां बनाइए, जोड़े बनाइए का प्रश्न है। कंसम जगान, उत्तर होगा तीसरा कृष्णा, शीतल वाहिनी, उत्तर होगा
छठा गंगा, लोका नाथा यस्य सा, उत्तर होगा पहला भिक्षुका, कात्रा युद्धे कुरयात, उत्तर होगा सातवा पलायनम, लोकस्य नाथा, उत्तर होगा दूसरा राजा, सीतम ना बाधते कम्बलवंतम, और कस्तूरी कस्मात जायते, उत्तर होगा मृगात। एक बार फिर से देख लें, कंसम जगान कृष्णा, शीतलवाहिनी गंगा, लोका नाथा यस्य सा भिक्षुका, कात्रा युद्धे कुर्यात् पलायनम, लोकस्य नाथा राजा, सीतम न बाधते कम्बलवंतम, कस्तूरी कस्मात् जायते मृगात्। प्रश्न क्रमांक 4, रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थानों को पूर्ण करो, कंसम जगान, उत्तर होगा कृष्णा, वाक्य बनेगा कंसम जगान कृष्णा, खा है कम्बलवंतम, उत्तर होगा ना बाधते सीतम, कम्बलवंतम ना बाधते सीतम, गा है तत्पुरुष कर्मधारय ये नाहम श्याम बहुव्रीहि, तत्पुरुष कर्मधारय ये नाहम श्याम बहुव्रीहि, घा है शंकरम पतितम दृष्ट्वा पनग्गा रुद्धु, शंकरम पतितम दृष्ट्वा पनग्गा रुद्धु, डा है मदगेहे नित्यम अव्ययी भावा, वाक्य बनेगा मदगेहे नित्यम अव्ययी भावा। प्रश्न क्रमांक 5, द्वे अर्थक शब्दा नाम अर्थ लिखत, दो अर्थ वाले शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ शंकर जो शब्द दिए हुए हैं, एक उनका अर्थ स्वयं है वो शंकर अर्थात भगवान शंकर, इसका दूसरा अर्थ है चंदन का वृक्ष, खा है द्वंद, इसका अर्थ है द्वंद समास, दूसरा अर्थ है झगड़ा, बहुव्रीही का अर्थ है बहुव्रीही समास, और धन धान से युक्त धन संपत्ति से युक्त, कम्बलवंतम का अर्थ है किस बलवान को, दूसरा अर्थ है कम्बल युक्त व्यक्ति, लोकनाथा का अर्थ है संसार का स्वामी राजा, और दूसरा अर्थ है भिक्षुक, अव्ययी भाव वह का अर्थ है धन की कमी, और अव्ययी भाव समास, दिगु का अर्थ दिगु समास, और दंपत्ति अर्थात पति पत्नी, कर्मधारय का अर्थ है कर्मधारय समास, और दूसरा अर्थ है कर्म करो, कर्म का धारण करो, एको न विंशति, इसका एक अर्थ होता है 19, और दूसरा अर्थ है एकः नरा विंशति स्त्रियां, अर्थात एक नर 20 स्त्रियां, वहाँ है पंचभर्त्री, पंचभर्त्री यानी पांच पतियों वाली पांचाली, और दूसरा अर्थ है पांच उंगलियां। धन्यवाद छात्रों।